बोलने हैं वो प्रेजेंट सॉरी सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम वाक्य जो भी बोल रहे हैं या टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, तो उसे देखना जरूरी होता है। ठीक है, सेकेंड ये देखना है कि इसका जो सब्जेक्ट है, करता है, वो कौन सा है, उत्तम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है या अन्य पुरुष में है। ठीक है ना, तो उत्तम पुरुष में अगर है तो वहां पर वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सिंगुलर है अगर तो अहम होता है, प्लूरल है तो वयम होता है। दिखाई दे रहा है ना? यस ओके, पूरा दिखाई। हाँ, इसी तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन का है तो अगर सिंगुलर है तो तुमम बोला जाता है, और अगर वो प्लूरल है तो तुभ्य बोला जाता है। ठीक है ना, तुम सब तो तुभ्य, ठीक है ना, तुम दोनों, तुम सब, तुम तीनों, जो भी आप बोलना चाहे नंबर। तो वो नंबर के लिए क्या शब्द जोड़ना वो अपन बाद में देखेंगे, अभी सिंपल हमें ये देखना है कि तुम शब्द को जब हम प्लूरल में यूज करेंगे तो तुभ्य बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और अब थर्ड पर्सन है, उसमें अगर हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है, तो अगर वो पुल्लिंग है तो सो बोलना है, स्त्रीलिंग है तो सा बोलना है, न्यूटर है तो तम बोलना है। ठीक है, और अगर वो प्लूरल है तो अगर वो पुल्लिंग है और प्लूरल है तो ते बोलना है, स्त्रीलिंग है तो ता बोलना है, और न्यूटर है तो तानी बोलना है। क्लियर? यस। अब इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो नहीं, याद करना पड़ेगा पर हाँ, और बनाने की अभी तो यहाँ पे मैंने हस क्रिया ली है, वर्ब जो है हस क्रिया ली है, किंतु कोई भी क्रिया हो प्राकृत में, हस हो, जाना हो, खाना हो, बोलना हो, नमस्कार करना हो, वंदना करना हो, कुछ भी क्रिया आप लगा सकते हैं, परंतु उनको बोलने का तरीका यही है। यहाँ हस है तो हसामी बोल दिया है ना, और आप वंदना करते तो वंदामी बोलते हैं, नमनसामी बोल देते हैं, तो बोलने का तरीका एक ही है, एंडिंग जो है एक जैसा दिखेगा आपको सब में। हाँ, तो वो मी और सी और ई से एंड हो जाएगा, इस तरह से हो जाए फर्स्ट। तो जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट पर्सन में बोल रहे हैं कि मैं हंसती हूँ, हाँ, तो बोलना क्या है, अहम हसामी, और हम हंसते हैं तो वयम हसामी, वयम बसामो, हसामो। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे वंद धातु का प्रयोग करें, अहम वंदामे, और वयम वयम वंदामो। यस, करेक्ट, है ना, समझ में आ गया ना? हाँ। अब आगे का दूसरे लोग भी बोले, जेवीबी ऑरलैंडो कौन है। अब ऐसे अगर आप वीडियो बंद रखेंगे तो मुझे तो क्लास लेने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि चेहरे के बिना मुझे भी नहीं पता चलेगा कौन क्या सुन रहा है, समझ रहे? हाँ, ये भी है, है ना, मेहुल भाई। अगर आपको आपको बोलना है वंदामी नमन सामी ना, तो आप सिंगुलर में किस तरह से बोलेंगे और प्लूरल में किस तरह से बोलेंगे? सिंगुलर में वंदामी, वो मैंने लिखा है अहम वंदामी, हाँ, और वयम वंदामो। बस आ गया समझ में, मैं वंदना करता हूँ और हम सब वंदना करते हैं। ठीक है ना, अनेक लोग जब साथ में आते हैं तो कहेंगे वयम वंदामो, ठीक है ना, और अकेला व्यक्ति आकर के वंदना कर रहा है तो कहेगा कि अहम वंदामी, ठीक है ना, और आप अहम का प्रयोग नहीं करते शॉर्ट में बोलने के लिए, बस वंदामी नमनसामी ही बोल देते, ठीक है ना, इसी से हमको समझ में आ जाता है कि आप स्वयं ही वंदना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट में इंग्लिश में भी चाहे शॉर्ट में जब बोलना होता तो सब्जेक्ट को जो है मेंशन नहीं करते, केवल वर्ब के से काम हो जाता है, वर्ब से समझ में आ जाता है कि बोलने वाला उत्तम पुरुष एकवचन है, अहम है, ठीक है ना। रूपन, रूपन, हाँ, आप बोलिए, सक्कारेमी जो शब्द है, क्रिया है अपना तिकुत्तो में, तो उसको जब आप सिंगुलर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अहम सक्कारेमी,
और प्लूरल में वयम सकारेमो सकारेमो हाँ सकारेमो ठीक है ना. ओके गरिमा बोलेगी जी बंदा में को किस तरह से बोलेंगे आप सिंगुलर में किस तरह से बोलेंगे और प्लूरल क्या वर्ड कहा आपने सम्माने में आपके कुत्तों में बोलते हैं ना सकारेमी सम्मानेमी तो सम्मान में सम्मान करती हूँ ठीक है ना तो सिंगुलर में बोलना है तो कैसे बोलेंगे अहम सम्मानेमी यस अहम सम्मानेमो सेकंड क्या बोला सिंगुलर में बोलूंगी अहम सम्मानेमी प्लूरल में बोलूंगी वयम सम्मानेमो सम्मानेमो ठीक है ना समझ में आ गया ना तो हम सब सम्मान करते हैं और नेक्स्ट में जो है रूपल ने बोल दिया. ओके आगे राकेश जी बोलिए आप मनोज भाई कौन है तो आप पज्जुआ स्वामी बोलिए पज्जुआ स्वामी हम पज्जुआ स्वामी वयम पज्जुआ सामो यस करेक्ट है ना. मनोज भाई आप बोलिए जी मैं मनोज मैं ही बोला ना भी हैं वो मनोज ही बोला अभी अभी जो बोला मनोज बोला नहीं क्या हुआ आप बोलेंगे हम पज्जुआ स्वामी वयम पज्जुआ सामो यस करेक्ट ठीक है ना. नीरा जी तो को तो पता ही है आप नीरा जी बोलना चाहेंगे गच्छामि वर्ब के साथ बोलेगा अहम गच्छामि वयम गच्छामो बस ठीक है ना तो मैं जा रही हूँ या हम जा रहे हैं ठीक है ना. नेक्स्ट जो है डीएस कौन है मुझे मालूम नहीं है. डिंपल अच्छा ठीक है तो आप बोलिए करेमी शब्द बोलिए फर्स्ट पर्सन में किस तरह से सिंगुलर के साथ कैसे बोलेंगे और अहम करेमी यस वयम करेमो करेमो समझ में आ गया ना मैं करती हूँ चाहे प्रतिक्रमण करती हूँ या कोई भी कार्य करती हूँ तो जब करती हूँ ऐसा बोलेंगे तो अहम करेमी वयम करेमो ठीक है. कमलेश भाई आप बोलिए हाँ अब मध्यम पुरुष है तो तुमम मध्यम पुरुष में तुम हंसते हो तो तुमम हससी हो गया ठीक है ना. उसी तरह से आपको बोलना है कि तुम वंदना करते हो तो इसको किस तरह से बोलेंगे हाँ तुमम वंदसी यस तुम्हें वंदह तुम्हें मैंने आपसे कहा कि एक बार आप अर्ध वंदह तुम्हें वंदह ठीक है ना. तो जब हम मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट होता है तो वर्ब को हमें सी के से एंड करना होता है और इधर में ह से एंड करना होता है. सो ये हो गया तुमम हससी तुभे हसह इसी तरह से तुमम वंदसी तुभे वंदह ठीक है. अब नेक्स्ट कौन बाकी है कोई बाकी है प्रीति आप कोई और वर्ब लेके बोले सम्मानेमी को लेकर के बोलिए मध्यम पुरुष में तुमम सम्मानेसी यस तुभे सम्मानेह यस करेक्ट ठीक है ना. तो तुम सम्मान करते हो तुम सब सम्मान करते हो ठीक है. अब हम आते हैं अन्य पुरुष में तो सिंगुलर में अगर हमें बोलना है तो सो हसई वह हंसता है ठीक है ना. तो इसी तरह से मान लीजिए कि आप जाता है ऐसा बोलना है तो कैसे बोलेंगी राकेश जी सिंगुलर और प्लूरल में गच्छ धातु हाँ जाने के लिए गच्छ धातु है ठीक है ना वर्ब है सो गच्छई सो गच्छई और ते गच्छन्ति इसी तरह से सा गच्छई ता गच्छन्ति और तम गच्छई तानि गच्छन्ति तानि कारानि वो कारे जा रही है तो मैंने इस तरह से तानि का मतलब
वो या वे कोई भी आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत है, समझ में आ गया प्रेजेंट टेंस में? हाँ। ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन में लास्ट में भी दिखाई देता है वर्ब का, ये चिन्ह है, साइन है उसके प्रेजेंट टेंस के, कि आपको सिंगुलर में मी दिखता है, प्लूरल में मोर एंड में दिखता है, सेकंड पर्सन का अगर सब्जेक्ट होता है तो सी एंड में दिखता है, हर जिसके दिखाई दे तो वो समझना है कि सेकंड पर्सन प्लूरल का की वर्ब है, और इधर में एंड थर्ड पर्सन है तो उसमें ई एंड में दिखता है, और इधर प्लूरल में अंति ऐसा एंड में दिखता है आपको, ठीक है ना? तो उससे आप पहचान सकते किसी भी सेंटेंस को। तो हमने पिछली बार देखा था तिकुत्तो के पाठ से, तिकुत्तो के पाठ को देखा था, तिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमी, तो करेमी का मतलब क्या हो गया? अहम करेमी, अहम करेमी कर रहा हूं, तीन बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करता हूँ, ये मीनिंग हो गया उसका, ठीक है? अपन तीन बार जो फेरी लगाते हैं मंदिर में भी किसी मूर्ति की या साधु को वंदना करते हैं, तो वो वंदना में स्पेशल दिगंबर ट्रेडिशन में तीन बार फेरी लगा करके वंदना की जाती है। तो उसमें ये है कि तीन बार मैं आदक्षिणा प्रदक्षिणा करता हूँ, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। फिर नेक्स्ट में है करेमी, फिर क्या है वंदामी, तो वंदामी का मतलब क्या है? वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सम्मानेमी सम्मान देता हूँ, सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सत्कारेमी सत्कार करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो यहाँ अहम जो है अंडरस्टूड है, अहम बोला नहीं गया, बट वर्ब के फॉर्म को देख करके आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस की और उत्तम पुरुष की फर्स्ट पर्सन की क्रिया है, क्योंकि सबके पीछे मील है इसलिए। हाँ, मी है इसके लिए, ठीक है ना? तो सत्कारेमी सम्मानेमी, फिर है कल्याणम मंगलम देवयम चेयम, ये गुरु को अगर आप वंदन कर रहे हैं या तीर्थंकरों की आप वंदना कर रहे हैं तो उनको ये कह रहे हैं कि आप जो हैं कल्याणकारी हैं, आप धर्मदेव हैं, ठीक है ना, आप ज्ञानवान हैं, तो उस रूप में आपने उसको उनको एड्रेस करते हुए ये शब्द प्रयोग किए, कल्याणम मंगलम देवयम चेयम, चेयम मतलब ज्ञानवान है, ठीक है ना? फिर है पज्जुआ स्वामी, मैं आपकी परिपाचना करता हूँ, ठीक है ना? मैं आपसे मतलब क्या बैठ करके आप उनसे कुछ सीखते हैं, उनके उपपात में बैठते, उनके निकट सानिध्य में बैठते, तो उसको परिपाचना बोलते हैं। आया समझ में? आप किसी भी साधु के पास आते हो या समनी जी के पास में आते हो तो पास में नहीं बैठते हो आप, तो वो अपन बोलते हैं ये परिपाचना, कुछ भी सीखते हैं पास में, उनके पास बैठ करके आप कुछ सीखते हैं तो उसको परिपाचना बोलते हैं, ठीक है ना? उपासना करना अपन बोलते ना, उपासना करना, ठीक है ना? परिउपासना यानी पर एक उपसर्ग लगा दिया, एक उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, सो एक उपसर्ग होता है जिसका मतलब है कि मैं चारों ओर से मतलब पूरी तरह से आपके सानिध्य में ही बैठा हूँ, ये नहीं कि मेरा दिमाग कहीं है, शरीर कहीं है, बोल कुछ रहा हूँ, ऐसा नहीं, पूरी तरह से मैं कंसंट्रेटेड होकर के आपके पास में बैठा हूँ कुछ सीखने के लिए या आपका सानिध्य पाने के लिए, ठीक है ना? क्लियर हो गया? वंदामी समझी वो वंदामी, अच्छा सॉरी, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, नहीं आप पूछ लीजिए भाई भाई, वो पज्जू आसामी में वो मूल वर्ब क्या है? पज्जू आसामी में मूल वर्ब क्या है? हाँ, तो इसमें जो है ना वस धातु होती है, वस, अच्छा है ना, वस धातु है, वस यानी बैठना अर्थ होता है ना, वसती आप बोलते हैं ना, बस्ती है ना, तो मैं आपके पास में पूरी तरह से बैठता हूँ, ठीक है ना? अच्छा वंदामी, मुझे पूछना था जो ये अपने कल्याणम मंगलम बोलते हैं कि आप कल्याणकारी हो, आप मंगलकारी हो, तो फिर वो ऐसे क्यों नहीं एंड होता है कल्याण सी, मतलब तुम जो मध्यम पर्सन वाला है उस पे क्यों नहीं एंड होता है? ओके, तो सेंटेंस में क्या होता है कि हम कोई, मैं कह रही हूँ कि अहम व्हाट तुमम वंदामी, मैं आपको वंदना करती हूँ, ठीक है ना? ऐसा जब मैं बोलती हूँ कि मैं आपको वंदना करती हूँ तो आप वहां पर क्या बन गए, एक ऑब्जेक्ट बन गए मेरी मेरी वर्ब का,
तो ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति है ना, सेकेंड फॉर्म आता है उसको, अभी अपन ने कारक नहीं सीखा है तो उसको कर्म कारक बोला जाता है, तो कर्म कारक में हमेशा इस तरह से डॉट लगता है, ठीक है ना। वो करता नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं, मैं वंदना कर रही हूं ना गुरु को या आचार्य को या किसी साधु को या किसी तीर्थंकर को, मैं वंदन कर रही हूं, तो वो मेरी वंदन क्रिया के ऑब्जेक्ट बन गए हैं, ठीक है ना, मैं उनको वंदन कर रही हूँ। तो जब इस तरह से वाक्य बोले जाते हैं तो वहां तीर्थंकर हो या गुरु हो या साधु हो या समनी जी हो, उन वो उस समय ऑब्जेक्ट बन जाते हैं आपकी क्रिया के, आपके वर्ब के, आप उस वर्ब के द्वारा उनको एक तरह से क्या करना चाहिए, टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो उसको आप टारगेट करते हो अपनी वर्ब के द्वारा, अपनी एक्शन के द्वारा, वो उस समय कर्म कारक बन जाता है, और कर्म कारक में हमेशा ऊपर में डॉट लगता है अगर वो सिंगुलर है। प्लूरल है तो जैसे तानी बन गया यहाँ पर ऐसा, ठीक है, बात समझ में आ गई। वो अभी कारक की अभी अपन नहीं जा रहे हैं, आप सिंपल इतना सही कि कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसमें दो चीजें देखना है कि कौन सी वर्ब है, किस टेंस में है, किस पर्सन में है और किस नंबर की है, ठीक है ना, किस नंबर के लिए प्रयोग हो रही है। सो वो वर्ब के एंडिंग्स को देख करके ही आपको पता चल जाता है कि हसामी है इसका मतलब ये वर्तमान काल में उत्तम पुरुष में और सिंगुलर में प्रयोग की गई है ना, सेंस में। तो आप जस्ट वर्ब को देख करके पूरा सेंटेंस समझ सकते हैं। इसी तरह से प्लूरल में अगर आप देख रहे हैं तो हसामो आपने देख लिया तो आप समझ गए कि ये वर्तमान काल के उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है, ठीक है ना, प्लूरल की क्रिया है। समझ में आ गया? हाँ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ओके। तो मैंने सब कुछ सेंटेंस बनाने को कहा था, सभी ने बनाए हैं? जी वंदन। ओके, तो आप बोलिए कमलेश जी, आपने क्या बनाए हैं? मैंने बनाया गच्छ, गच्छ धातु के साथ। हाँ। सो गच्छई। यस। ते गच्छंती। सा गच्छई। ता गच्छंती। तम गच्छई। तानी गच्छंती। फिर मध्य पुरुष में तुमम गच्छसी। तुब्बे गच्छह। उत्तम पुरुष अहम गच्छामि। वयम गच्छामो। मैंने भी यही बनाया। मैंने भी यही बनाया, गच्छ के ऊपर ही, वही सस्ता सीधा लग रहा था मुझे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो परंतु दूसरी वर्ब भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। राकेश जी ने बनाया है। हाँ। चलिए, आपने कौन सी वर्ब से बनाया है? कौन बोलेगा? मैं, राकेश भाई। हाँ। आपने अच्छा। कहा कि आपने भी गच्छ पर ही बनाया। हाँ, है तो, मैंने भी हम गच्छा में मैंने नहीं बनाया। हाँ। नई कोई वर्ब यूज की है तो बोलिए। नहीं, मैंने जी, मैंने सब सब आपने जो बताया था ना वो सब भी बनाया। अच्छा, तिक्कू तो में है ना। हाँ। करम वंदनी नमम स्वामी सत्कारेमी सम्मानेमी पज्जुआ स्वामी। चलिए, तो आप राकेश भाई बोल रहे हैं पहले। आप राकेश जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। का ब्लूटूथ ऑन है क्या? ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा राकेश जी। चलिए मेहुल भाई, इतने आप बोलिए। तो समनी जी, मैं कौन से सक्कार में के लिए बोल सकता हूँ? हाँ, कैसे, कोई सी भी वर्ब ले लो आप। अहम सक्कारेमी। यस। वयम वयम सक्कारेमो। यस। तुमम सक्कारेसी। यस। तुभे सक्कारह। सक्कारेह। सक्कारेह। यस। ओके। सो सक्कारई। ते सक्कारंती। सो सक्कारेई। 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 ओके। आप ये ध्यान रखिए,
कि जब आप सक्कारेमी बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि उसमें सक्कारे तक तो आपकी मेन वर्ब है और मी एंडिंग है जस्ट टू शो द टेंस एंड द नंबर. अरेमी अमी. ओ अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है. मुझे लगा कि वो अमी पाँच है तो इसके लिए वो ए आ रहा है सत्कार. नहीं वो कुछ 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 वर्ब्स में क्या है कि कुछ सूत्र लग जाते हैं तो उसमें एंडिंग जो है वो ए होता है. सो अभी अपन वो ग्रामेटिकल एनालिसिस में नहीं जा रहे, ठीक है. जस्ट आपको समझना है कि सत्कार का मतलब है सत्कार करना. सो सत्कार मी और मो कॉमन हो सकता है पर हमें देखना की वर्ब जो है सत्कार है या गच्छ है, ठीक है ना. तो गच्छ है तो गच्छा में बोलना है पर अगर सक्कारे है तो सक्कारे ही बोलना है उसमें रामी नहीं बोलना है. सही बात. सो सक्कारे ही ते सक्कारेंती. यस सक्कारे ही ता सक्कारेंती तम सक्कारे ही तानी सक्कारेंती. वाह करेक्ट. चलिए और कोई राकेश भाई बोलेंगे आप. हाँ समझी जी आवाज आ रही है. हाँ आ रही है. ओके तो उत्तम पुरुष सिंगुलर अहम वंदामि. यस प्लुरल वयम नमन्सामो. यस मध्यम पुरुष सिंगुलर तुमम कारेमि. तब तुमम कारेमि कारेमि ने करेसी सी 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 एंड करना. मी मी उत्तम पुरुष प्रथम सिंगुलर का है की वर्ब है वो. अच्छा तुमम करेसी. यस प्लुरल तुबे सत्कारः सत्कारः सत्कारेह सत्कारेह. यस सत्कारेमी है ना तो सत्कारेह सत्कारेह. यस अन्य पुरुष तो पजवा सह पजवा सही पजवा सही. यस समझ लीजिए चेंज क्यों हो जाता है लास्ट वर्ड वो पता नहीं चल रहा है वो मी सी ई. ओके ये क्या है या तो ग्रामेटिकल आप सब उसका कारण जानना चाहेंगे तो वो तो फिर ग्रामर के जो सूत्र होते हैं ना रूल्स होते हैं वो अप्लाई करके समझाना पड़ता है कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ. अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि सत्कार करता हूँ उसके लिए सत्कारेमी वर्ब आती है. अब उसी को जस्ट हमें देखना है कि हम उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन के लिए कर रहे हैं सेकंड पर्सन के लिए कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं सिंगुलर के लिए कर रहे हैं प्लूरल के लिए कर रहे हैं. अभी जस्ट आप वोक्यूबुलरी जो है वो सीखने की कोशिश करिए. अभी ग्रामेटिकल जो है उसका रीजन मत जानने की कोशिश करें नहीं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ओके ठीक है. तो अन्य पुरुष सिंगुलर सो पजवा सही. यस प्लुरल ते गच्छन्ति. यस सिंगुलर सा करेसी. यस करेसी प्लुरल ता समानेन्ति. सा करेसी नहीं होगा सा करेई होगा करेई. ओ सा करेई. ओके यस है ना. हाँ ठीक है समझिए सा करेई. हाँ ना भी समझिए उसमें वो प्लूरल हाँ. में क्या होगा सेकंड उसका प्लूरल होगा करेंती ता करेंती. हाँ सेकंड पर्सन में क्या होगा तुबे उसमें करेसी और तुबे करेहा करेहा करेहा. देखिए ह जो है ना ये टेंस और नंबर को शो करने के लिए लगाया जाता है. कौन से टेंस में आप बात कर रहे हो और कौन से नंबर के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना. तो ये इंडिकेटर सही एक तरह से आप जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना आई एम गोइंग तो एम यू आर गोइंग आर तो बीच में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना ये हेल्पिंग वर्ब है एंड में जो कुछ भी है. समझ में आ गए. ओके तो ये इतना समझ में आ गया सभी को. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें. डिंपल आप कोई वर्ब के साथ बोलिए. नहीं
कौन से मैं एक्चुअली आप क्या तो आप बता वध धातु आती है बोलने अर्थ में, तो आप वदामी जैसे बोला जाता है, ठीक है ना, तो आप वदामी को यूज करते हुए बोलिए छो ये मतलब तीनों परसेंट के साथ और दोनों नंबर के साथ वध धातु। म्यूट है मनोज भाई, आप बोलेंगे जी मम्मी। हाँ बोलिए आप, वध धातु है उसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बदामी बनता है, अब आप बदामी को ध्यान में रख करके यूज करिए। अहम बदामी, वयम बदामो, यस तुमम वदमसी, वदसी, वदमई, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ वदसी, हाँ तुब्बे वदसह, वदसह नहीं वदह, वदह हाँ सो वदई, यस ते वदंती, यस सा वदई, यस ता वदंती, तम वदई, ताणी वदंती, बस करेक्ट, ओके समझ में आ गया ना। वद यानी बोलना, गच्छ यानी जाना, हस यानी हंसना, ठीक है ना, करे ही। वदई का मतलब क्या हुआ ना, बोलना बोलना बोलना, मैं बोलती हूँ तो मैं कहती हूँ अहम वदामी, ठीक है ना, तुम बोलते हो तो तुम वदसी, है ना, वह बोलता है तो सो वदई, ठीक है ना, सो वदई, जी वदई, समझ में, ओके। तो ये वदई वदई मतलब, वदई मतलब बोलना, नॉट वन, इट्स नॉट वन वन, नहीं ये वंद ही नहीं है, वंद में तो क्या अम्मा है, मम्मी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो तब आपने कुछ बोला तो मुझे सुनाई नहीं दिया। कौन डिंपल बोल रही है, हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया लगता। हाँ देखिए मैं ये कह रही हूँ कि वद धातु का प्रयोग करके आप छह प्रकार के वाक्य, ये तीनों प्रकार के पर्सन और दोनों प्रकार के नंबर में बोलिए वाक्य, वद धातु का प्रयोग करना है उसमें, फर्स्ट में आप बनेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में वदामी बोलेंगे, वद यानी बोलना होता है, ठीक है ना, मैं बोलती हूँ तो अहम वदामी, ओके अहम वदामी, ठीक ठीक है ना, ठीक है। आप प्लूरल में आप क्या बोलेंगी, प्लूरल में किस तरह से बोलेंगे कि हम सब बोलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, वयम वयम वदामो, यस वयम वदामो, ठीक है, और सेकंड पर्सन में वयम वदामो, ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में तुम वदासी, तुम वदासी, तुमम वदा, तुमम वदासी, ओके देखिए यहाँ पर हससी आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, आप उस एग्जाम्पल को फॉलो करिए, देखिए तो यहाँ पे वदासी लिखा है या वदसी, वदसी, हाँ ठीक है ना, वदसी, इसी को फॉलो करिए कि इसमें किस तरह से लिखा, तुमम वदसी, ओके और फिर हाँ हाँ फिर क्या बोलेंगे, तुब्बे तुब्बे वदह, यस, और इधर में सिंगुलर थर्ड पर्सन में पुल्लिंग के साथ सो सो वदई, यस प्लूरल में और ते वदंती, यस स्त्रीलिंग में फेमिनाइन सा वदई, सा वदई, यस और ता वदंती, यस और इधर में न्यूटर में तम वसई, वसई तम वसई नहीं वसई तम वदई, यस ताणी वदई एंड ताणी ताणी वदंती, यस। तो बात समझ में आ गई ना, बोलने का प्राकृत में तरीका किस तरह से है, ठीक है ना, तो पर्सन का और नंबर का ध्यान रखिए और एंडिंग का ध्यान रखिए, तीन चीजें, पर्सन को ध्यान, टेंस का ध्यान रखिए, पुरुष का, पर्सन का ध्यान रखिए,
नंबर का ध्यान रखिए और एंडिंग का ध्यान रखिए उसके साथ, ठीक है ना। ये चार बातें दिमाग में अगर बैठ गई तो आप पूरा प्राकृत साहित्य आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब इतना ही है कि उसमें थोड़ा वोकैबुलरी अपने को चाहिए, क्योंकि हमको शब्दों का ही नहीं पता है उसका अर्थ, तो हम फिर नहीं समझ पाते हैं इस वजह से वो टेक्स्ट में क्या लिखा है। बट अगर हमें इतनी ये चार बातें ध्यान में रहे और बाकी तो अपने पास में डिक्शनरी रखने से प्राकृत शब्दों को देखते चले जाए कि ये शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, बाद में तो ये पहचानना है कि इसमें ये कौन सा, इसमें एंडिंग में एंड क्या हो रहा है, एंडिंग क्या है, किस तरह का है, तो सेंटेंस को पढ़ना और समझना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी प्रेजेंट टेंस सबको समझ में आ गया, किसी को कोई प्रश्न है? प्रेजेंट टेंस की क्रिया सबको समझ में आ गई ना? हाँ शामिल जी। हाँ शामिल। रूपल हाँ वंदना मैं। ओके। चलिए अब हम चलते हैं, आज चल रहे हैं पास्ट टेंस को सीखेंगे, और प्राकृत में पास्ट टेंस तो बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि जस्ट आपको ई अ एंडिंग में दिखाई देता है वर्ब, जब भी आप पास्ट टेंस में यूज करते हो तो चाहे आप सिंगुलर में करें, चाहे प्लूरल में करें, चाहे फर्स्ट पर्सन में करें, चाहे सेकंड पर्सन में करें, चाहे थर्ड पर्सन में करें, सब में एंडिंग एक ही प्रकार का है, ठीक है ना। उससे कुछ भी पता नहीं चलता है कि आप एक व्यक्ति बोल रहा है या अनेक व्यक्ति बोल रहे हैं, ठीक है ना। परंतु वो वाक्य जब प्रसंग के अनुसार कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उस कॉन्टेक्स्ट को देख करके आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति ये बात कह रहा है या अनेक व्यक्ति ये बात कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट से टेक्स्ट को देख करके पता चलता है, बट वर्ब का यूज करने का तरीका सबकी केस में एक ही जैसा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि मैं हंसी, ऐसा जब मैं कहती हूँ प्राकृत में तो होता है कि अहम हंसी अ, ठीक है ना। वो सब हंसे, ऐसा जब आप बोलते हैं तो उसमें भी बोल, उसमें क्रिया का रूप तो वही रहेगा, वयम हंसी अ। तो ये हंसी अ और इस हंसी अ में अंतर है, ये हंसी अ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए यूज किया गया है, और ये हंसी अ फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए यूज में लाया गया है। तो अब हमें यहाँ पर अगर केवल आप वर्ब लिखेंगे तो वो वर्ब किसी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए और किसी भी नंबर के लिए जो है वो यूज की जा सकती है। परंतु अगर टेक्स्ट में लिखा है कि वयम हंसी अ, तो हंसी अ का मतलब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंग प्लूरल की ये वर्ब है, ये बात आपको समझना है, ठीक है ना। अहम हंसी लिखा है तो वो हंसी क्रिया जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए यूज में की लाई गई है, ये आपको समझना है, क्लियर। इसी तरह से तुम हंसे तो तुमम हंसी, तुम सब हंसे तो तुभे हंसी। ये प्राकृत पास्ट टेंस में बहुत इजी है, एक ही प्रकार का प्रयोग है सभी प्रकार के पर्सन के लिए, सभी प्रकार के नंबर के लिए और सभी प्रकार की लिंग के लिए भी। यानी कोई पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, सबके लिए एक ही प्रकार का प्रयोग है और एक ही शब्द आपको, एक ही तरह का शब्द यूज करना है, क्रिया यूज करनी है। तो जैसे यहाँ पर सो सातम हसिया, वह हंसा तो भी सो हसिया, वह हंसी तो भी सा हसिया, और वो कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, कोई डॉल है, कुछ भी है, तो वो हंसा तो भी आप कहेंगे तम हसिया, ठीक है ना। और बहुवचन में भी ते हसिया, ता हसिया, ताना हस, ताणी हसिया। दिक्कत है इसमें कुछ भी? समझ में आ गया? एंडिंग एक ही प्रकार से करना है वर्ब का। तो अब कहाँ से शुरुआत करेंगे, सभी को आप बोलना है, बिल्कुल सिंपल है पास्ट टेंस में बोलने का जो प्राकृत का तरीका है वो इतना ही है कि आपको एंड में जो भी मेन वर्ब है उसकी एंडिंग एक ई अ ई अ ई अ इस तरह से करना, हसी अ, गच्छी अ, वन वंदी अ, वदी अ, नमन सई नमन सी अ, ठीक है ना। सो इस तरह से जब हम यूज करेंगे तो वो पास्ट टेंस में सेंटेंस बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बोलिए राकेश जी, आप शुरू करिए। गच्छ धातु का प्रयोग करके बोलिए, तीनों पुरुषों में और दोनों वचनों में।
दोनों नंबर्स में। आवाज आ रही है समझे? हाँ। ओके। अहम गच्छीय, वयम गच्छीय, ठीक है, तुमम गच्छीय, तुब्बे गच्छीय, यस, सो गच्छीय, सा गच्छीय, तम गच्छीय, यस, ते गच्छीय, ता गच्छीय, तानि गच्छीय। ओके, और इसका मीनिंग क्या हुआ? गच्छीय मीन जा रहा हूँ, अहम गच्छीय मीन मैं जा रहा हूँ, मैं गया, मैं गया, अब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस आ गया है, अब आप ये समझिए, है ना? तो पास्ट टेंस में एक ही प्रकार का आपको एंडिंग लगाना है सभी के लिए, ठीक है, एक है ना, सिंपल है पास्ट टेंस। चलिए प्रीति आप बोलिए, वद धातु का प्रयोग करके बोलिए, आप म्यूट है। अहम वदीय, वयम वदीय, यस, तुमम वदीय, तुब्बे वदीय, यस, सो सातम इसका वदीय, और तेता तानी वदीय। ओके, मीनिंग क्या हुआ इसका? बोलना, मतलब आप कैसे बोलेंगे? बोलना नहीं, आपको टेंस के हिसाब से बोलना होगा। हाँ, तो इसका मतलब मैंने बोला, मैंने बोला, ठीक है ना? हमने बोला, हमने बोला, तुमने बोला, उन्होंने बोला, तुम सबने बोला, और हाँ उन सबने बोला, और अन्य पुरुष में उसने बोला, वह बोला, वे बोले। हाँ, उसने बोला या उन्होंने बोला, जो भी अब है ना, उसने बोला या उन्होंने बोला। चलिए मेहुल भाई आप बताइए, आप किस वर्ब का यूज करेंगे? वंद धातु का, वंद धातु का प्रयोग करिए। वंद, ओके, अहम वंदीय, वयम वंदीय, तुमम वंदीय, वे वंदीय, तो वंदीय, ते वंदीय, सा वंदीय, ता वंदीय, तम वंदीय, ताणी वंदीय। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैंने वंदन किया, हमने वंदन किया, तुमने वंदन किया, तुम सबने वंदन किया, उसने वंदन किया, और उन सब लोगों ने वंदन किया। करेक्ट, करेक्ट। चलिए गरिमा आप बोलिए, गरिमा। वंदा में कोई वर्ब सजेस्ट कीजिए। आप नमन्स धातु का प्रयोग करिए, नमन्स का। नमन। अहम नमन्स सानवी। अहम नमन्सिया। यस, करेक्ट। वयम नमन्सिया। यस। हम नमन्सिया। तुभे। एक बार फिर बोलिए। तुभे। भ। आधा ब है और फिर भ है, ठीक है ना? नमन सिया। यस। और तम नमन सिया। तानी नमन सिया। यस। इसका मतलब क्या हुआ? मैं हंसी, हम हंसे। नहीं, नमन सिया आप बोल रहे हो। नमन सिया, हाँ, मतलब आप मैंने नमस्कार किया और हम सबने नमस्कार किया। आप सबने नमस्कार किया, तुब्बे नमस्या का मतलब हुआ आप सबने नमस्कार किया। बस, हाँ, ये चार्ट उठाने से बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू। तुब्बे का मतलब तुम सबने नमस्कार किया। अच्छा, और ते ता ताणी में कुछ भी पिक कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। उसने किया, उन्होंने किया, अपन बोलते हैं ना उसने वंदना की। अब वो उसने में पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई डॉगी भी हो सकता है, समझो, ठीक है ना? ठीक है ना, थैंक यू। और हाँ, और उन्होंने किया। रूपन आप बोलिए, पंचवा स्वामी। अहम
पचुआ सिंह 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 वयम पचुआ सिंह यस तुमम पचुआ सिंह तुबे पचुआ सिंह तो सा तम पचुआ सिंह ते ता ताई पचुआ सिंह करेक्ट करेक्ट ठीक है ना इसका मतलब क्या हुआ पचुआ स्वामी का मैंने पर्युपासना की ठीक है ना मैंने पर मान लीजिए आप स्वामी जी के पास गए फिर घर पे जाकर के आए घर पे जाएंगे तो कोई पूछेगा कहाँ जाके आए तो कहना मैं पर्युपासना करने के लिए गई थी ठीक है ना ऐसा आप बोलेंगे ना तो मैंने पर्युपासना की हम सब ने की तुमने की तुम सब ने की वैसे ठीक है क्लियर अब आगे कौन मनोज भाई बोलेंगे शांति शांति सुमित्रा जी को भी कौन से वर्ड पे बोलो आप कौन सी वर्ब लेंगे गच्छ से बोलिए आप गच्छ से बोलिए हम गच्छ सियो नहीं गच्छ सियो नहीं आप देखिए ये हस धातु में ना स है इसलिए आप हसी अ है परंतु आपकी धातु अभी गच्छ है तो उसमें स तो okay. नहीं है ना ओके okay. हम गच्छी अ यस वयम गच्छी अ यस तुमम गच्छी अ तुभे गच्छी अ तो गच्छी अ ते गच्छी अ सा गच्छी अ ता गच्छी अ तम गच्छी अ ताणी गच्छी अ बहुत ही करेक्ट इसका मतलब क्या हुआ जा रहा हूँ गया मैं गया या मैं गई हाँ गच्छ मीन्स जाना हम गए वो मैं हम गए वो गए ठीक है ठीक है अब बोलिए मनोज भाई आप वद धातु का प्रयोग करिए हम वदिया वयम वदिया तुमम वदिया तुभे वदिया सो वदिया सा वदिया तम वदिया ते वदिया ता वदिया ताणी वदिया करेक्ट इसका मीनिंग क्या हुआ मैंने बोला आपने बोला सबने बोला हम सबने बोला वे सब बोला हाँ सबने बोला हाँ और तुमने बोला ठीक ओके अब कमलेश भाई आप क्या बोलेंगे आप जो है धातु धातु ओके कौन सी धातु बोलेंगे भाव धातु बोलिए भाव भाव यानी होना ठीक है ना मैं डॉक्टर हूँ जैसे ऐसा बोलते हैं तो अहम भविय अहम चिकित्सकों भवामी यानी मैं डॉक्टर हूँ होता बनने वाला हूँ ऐसा अपन जब बोलते हैं तो वहां पे भाव धातु चलिए तो भवामी आता है ना अहम भवामी मतलब वर्तमान काल में तो वैसा है लेकिन भूतकाल में तो भवी अ बनेगा ना बिल्कुल बिल्कुल तो अहम भवी अ वयम भवी अ यस भवी अ तुभे भवी अ सो सा तम भवी अ ते ता ताणी भवी अ ठीक है ना मैं इसका मतलब हाँ मैं हुआ हम हुए हम सब हुए मतलब तुम हुए तुम सब हुए वैसा ओके सो करेक्ट ये पास्ट टेंस तो समझ में आ गया पूरी तरह से इसमें आप कोई डिफिकल्टी है किसी को नहीं ना इसी तरह से नमन से धातु है तो नमन से ही बनता है जैसे अपन नमन से ही बनता है या नमन सामी बनता है तो वहां पे नमन सी अ बन जाएगा और सक्कारेमी में उसका मुझे एक रूप देखना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है तो जस्ट आप ये समझ लिया आपने कि पास्ट टेंस में एक ही प्रकार से लिखा जाता है सभी लिंगों में सभी वचनों में और सभी प्रकार के नंबर में क्रिया का एक ही प्रकार एक ही तरीका होता है लिखने का ठीक है
तो क्लास का टाइम फिनिश हो गया, ठीक है, 8:30 हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, पर इसके पहले आप वो ही तिखुत्तों का जैसे पाठ में हमने जो क्रियाएं देखी है उसी तरह से आप ये उसको बोलते क्या नाम है, मंगल पाठ में कौन कौन सी क्रियाएं हैं, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। तो चत्तारी का मतलब होता है चार, ठीक है ना, मंगलम का मतलब मंगल, चार प्रकार के मंगल होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें चार प्रकार के मंगल में अरिहंता मंगलम यानी अरिहंत मंगल है, जितने भी अरिहंत हुए हैं अतीत में उन वो सभी मंगलकारी है, वर्तमान में भी जो अरिहंत है वो सब मंगलकारी है। तो अरिहंत मंगल है, मंगलकारी है, सिद्ध मंगलकारी है, साधु मंगलकारी है, और केवली प्रज्ञप्त धर्म जो है वो मंगलकारी है। अब यहाँ पर वर्ब आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट है किंतु वर्ब नहीं है, वो वर्ब आपके लिए अंडरस्टूड है। तो मान लीजिए अरिहंता मंगलम, फिर आप क्रिया कौन सी लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, अरिहंत शब्द आपके लिए प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो अब आप क्रिया क्या लगाएंगे, भव धातु है मान लीजिए, राकेश जी भवई या हवई, हाँ हवई या भवई आप लगा सकते हैं, परंतु आपके अरिहंत जो है ना वो प्लूरल है, अरहंता मंगलम, ठीक है ना जी, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, तो उसके लिए वर्ब क्या यूज करेंगे, क्रिया हो जाएगी भवंती, यस, अरिहंत मंगल है तो अरिहंता मंगलम भवंती, है ना, या होते हैं इस अर्थ में होंती भी आता है, तो हो धातु का प्रयोग करते तो होंती बोलना होता है, तो अरिहंत मंगलकारी है, तो अरहंता मंगलम भवंती या अरहंता मंगलम होंती, ठीक है। दूसरा है सिद्ध है, तो अब राकेश जी आप सिद्ध का कैसे बनाएंगे, सिद्धा मंगलम भवंती, यस, यहाँ भवंती क्यों लिखा आपने, आपने वो भव ऐसा क्यों नहीं बोल दिया, भवा मो क्यों नहीं बोला, क्योंकि थर्ड पर्सन होता है, हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से आपको भवंती या होंती ही बोलना है, ठीक है ना, और वो प्रेजेंट टेंस भी है, वो हमेशा और... हाँ ये प्रेजेंट टेंस, जो चीजें इटर्नल होती है वो उनको हमेशा हाँ। प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, जो इटर्नल ट्रूथ से है, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल ना, थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ ना, हाँ थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है ना। तो अरिहंता सिद्धा, फिर क्या है, अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि, देखिए अरिहंते आया है, ठीक है ना, मैंने अरिहंता बोला बट अरिहंते, ठीक है ना, अरिहंते क्यों आया, बहुत सारे अरिहंते, हाँ बहुत सारे हैं, तो देखिए यहाँ पर ते आप लगाते हो ना, कहाँ पे, सो का जो प्लूरल रूप है वो ते है ना आपका, यस, ए से एंड होता है, ए से एंड हो रहा है, ठीक है ना, तो ए एंड में दिखाई देता है जब प्लूरल में थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना, स्पेशली पुल्लिंग, तो अरिहंत शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए ते है, अरिहंते सॉरी अरिहंता बोला है तो वहां भी, और नीचे अरिहंते जब प्रयोग किया है तो ये दोनों अलग दो तीन तरीके से शब्दों को लिखा जाता है, तो वहां पे अरिहंते आया है, बट यहाँ पर, और उसका कारण है कि वो कर्म कारक है वहां पर, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अरिहंता जो हमने बोला है वो भी सही है, तो अरिहंता जो है प्लूरल है और थर्ड पर्सन का है, और इसीलिए हवंती या भवंती बोला जाता है, होंती या भवंती बोला जाता है, ऐसे ही सिद्धा और फिर नेक्स्ट क्या है, अरिहंते अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू, तो साहू जो है ये भी प्लूरल है परंतु ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर भी भवंती या होंती आएगा, और केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, अब यहाँ पर क्या आएगा, क्रिया क्या होगी, हवई
हवाई सिंगल होगी ना ये तो मतलब हाँ, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. धर्म शब्द जो है वो सिंगुलर एक वचन है इसलिए यहाँ पर हवाई या होई भवई या हवाई. आ गए समझ में? सभी लोग मौन है. हाँ ये समझ में नहीं पड़ा. ये जैसे अरियन सिद्ध तो प्लूरल में थे तो अरियन सिद्ध साहू सरनम साहू मतलब सभी साधु नहीं है क्या? सभी साधु है इसलिए वो साहू शब्द है वो सिंगुलर नहीं है वो प्लूरल है. हाँ, पर्सन का प्लूरल है या, तो, साहू तो सही है. मैंने नीचे लास्ट वाला बोला है कि केवली पन्नतो धम्मो. धम्मो शब्द क्या है सिंगुलर है कि प्लूरल है? जैसे आप सो बोलते हैं ना पुरुष पुल्लिंग के लिए सो बोलते हैं तो वैसे धम्मो बोल रहे हैं आप. हाँ तो वो सिंगुलर हो गया. हाँ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से उसके लिए वर्ब क्या बनेगी? केवली पन्नतो धम्मो फिर मंगलम मंगलम तो धम्मो केवली पन्नतो धम्मो भवई या होई. हाँ हवाई और होई भी शायद विकल्प से होता है उसका रूप बट अभी एक बार के लिए हम हवाई करें ठीक है ना. तो केवली पन्नतो धम्मो मंगलम हवाई या भवई ठीक है ना. केवली प्रज्ञप्त धर्म जो है वो मंगलकारी है. समझ में आ गया? शम्मी जी आप ये वर्ब जैसे पिक किया तो है का मतलब है यानी उसका आपने वर्ब लिया भवई या हवाई. हाँ यस वर्ब यहाँ पर है भवई या हवाई तो यानी है. है यस नमो अरिहंतनम में आता है ना पढ़मम हवाई मंगलम ठीक है ना. ये नमस्कार महामंत्र सभी मंगलों में उत्कृष्ट कोटि का मंगल है तो यहाँ हवाई आ गया. समझ में आ गया ना? हाँ एकदम है ना. तो हवाई बोलो भवाई बोलो दोनों चलता है. क्लियर हो गया? मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अभी यहाँ पर तो आपको मैंने जस्ट सिंपल वो जो प्रोनाउन है वो लिए हैं मैंने बट आप पर्टिकुलर नेम से भी आप अगर किसी को बोलेंगे तो वो हमेशा थर्ड पर्सन ही होगा है ना. किसी का भी नाम ले लीजिए रूपल नाम लीजिए गरिमा नाम लीजिए कि मनोज नाम लीजिए तो ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है और जो अनेक व्यक्ति हैं उन ये सभी व्यक्ति तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता है. तो हमें देखना अरिहंत भी एक प्रकार का नाम है सिद्ध भी नाम है साधु भी एक प्रकार का टाइटल है नाउन है तो उन सबके लिए ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं. थर्ड पर्सन में आने कारण से क्रिया भी इनकी थर्ड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर की इनकी लगती है वाक्य बनाने में. क्लियर? ओके. इसी तरह से मंगल पाठ का आगे का जो है वो है क्या है चत्तारी लोगोत्तमा ठीक है ना. चार चीजें लोक में उत्तम है ठीक है ना श्रेष्ठ है तो वो कौन कौन सी है? अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो. तो यहाँ पर भी जो है चार चीजें मंगल है तो यहाँ भवंती भवंती या होंती होंती आप प्रयोग कर सकते हैं सबके लिए. परंतु जहां धर्म शब्द आ गया तो धर्म चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पर भवई या हवई आपको बोल क्रिया समझना है तो वो अंडरस्टूड है. कभी वाक्य में क्रिया को मिस कर देते हैं और कभी सब्जेक्ट को मिस कर देते हैं क्योंकि टेक्स्ट को छोटा बनाने के चक्कर में ऐसा करना जरूरी हो जाता है या बोलने का तरीका शॉर्ट में ये ही है. आज भी इंग्लिश में भी आप लोग बोलते हैं तो जो है सब्जेक्ट को नहीं मेंशन करते हैं केवल वर्ब बोल देते हैं और कहीं सब्जेक्ट बोल देते हैं वर्ब को मिस कर देते हैं और वो सामने वाला उस बात को समझ लेता है. क्लियर? किसी को कोई डिफिकल्ट लग रहा है कुछ? बराबर समझ में. ठीक है तो अब नेक्स्ट जो है इसका चत्तारी मंगलम का तीसरा है सरणम पवज्जामी. देखिए यहाँ पर एक वर्ब आई है पवज्जामी ठीक है. इस पवज्जामी क्रिया का उपयोग करके आपको
प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में एक एक सेंटेंस बना करके लाना है, तीनों पर्सन में और दोनों वचनों में, ठीक है। आप प्रतिक्रमण से भी कोई वर्ब ले सकते हो, जहां प्रतिक्रमण में कोई ऐसी वर्ब यूज हुई है जो आपको लग रहा है कि ये इस वर्ब का मैं यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उस नई वर्ब को भी ले सकते हो। अन्यथा ये पवज्जामि, शरणम पवज्जामि, में शरण को जाती हूँ या शरण में जाती हूँ, तो वो जाने अर्थ में गच्छई जैसे आता है वैसे पज्जवास ये पवज्जामि ये क्रिया भी यूज कर सकते हैं। कहीं जाने में, कहीं जाने के अर्थ में प्रवज्जामि ये क्रिया भी यूज में ली जाती है, ठीक है। तो आप सभी कल नेक्स्ट क्लास में जो वेडनेसडे को क्लास है उसमें ये दोनों टेंस में एक एक वर्ब कोई भी आप प्रतिक्रमण में से निकालें, चाहे मंगल पाठ में से लें, चाहे और कोई आप प्राकृत का जो पाठ बोलते हैं नमस्कार महामंत्र है उसमें से लें, नई कोई ऐसी वर्ब आपको नजर आ रही है तो उसका आप प्रयोग करके आएंगे और एक एक वाक्य जरूर बना के लेके आएंगे, ठीक है। चलिए मंगल पाठ सुनाते हैं। हाँ, और थोड़ा सा क्लास लेते समय कोशिश ये करिएगा कि